हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल डिफाइन कर लिया, मतलब वेरिएबल के हमने टेक्स्ट फील्ड बनाया अपना, ठीक है। तो यहाँ से लोकल वेरिएबल में आपको एक क्रिएट वेरिएबल करना है, और यहाँ से आप इसको कोई नंबर ऑफर करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कार्ट नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, जो मर्जी, बस रिपीट नहीं करना। जैसे वेरिएबल हम लोग रिपीट नहीं करते नहीं तो फिर क्लैश करेगा जब कंडीशन लिखोगे। तो इसका नेम हमने क्या रखा, कार्ट आइटम, ठीक है। अब ये कार्ट आइटम जो ये हमें इस पे माउंट करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे मुस्कान, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से जाके आप कार्ट आइटम इसमें अप्लाई करोगे। तो हमारा ये अभी दूसरी फाइल को ले रहा है, ये आ गया, ठीक है, कार्ट आइटम। इसके बाद सॉरी, इसी की कॉपी और बना लेते हैं, और इसकी कॉपी और बनाइए। इसको मैं बोल देता हूँ लाइक प्लस, और यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे इस तरह से, ये हो गया अपना सब्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉन्ट से बड़ा करना हो बड़ा कर लेते हैं उसे, ठीक है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी आप कोई आइकन वगैरह बनाओगे, सो मेक श्योर कि इसका साइज 24x24 होना चाहिए, विच एवर इज हाइयर, यानी कि या तो पहले हाइट कंप्लीट हो जाए या विड्थ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दूसरा इसके नीचे एक बेस होना चाहिए अपना, तभी ये सही से क्लिकेबल होता है। तो इन तीनों के ऊपर जो वेरिएबल हमारा अटैच हो रखा है, उसको हमने चेक कर लेना है कि सिर्फ एक के ऊपर है, बाकी से हट जाए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इस जगह पर अभी भी लिखा रहा है कार्ट आइटम, तो इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पर जाओगे लोकल वेरिएबल, डुप्लीकेट वेरिएबल, इसको हम लोग कर देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी बाई डिफॉल्ट क्या रहेगा अपना, जीरो रहेगा, और इसको आपने यहाँ पर लाके चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये दो काम हमने करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको आप इंक्रीज करा के देखो। तो हम लोग यहाँ से प्रोटोटाइप में जाके यहाँ से करेंगे इंट्रैक्शन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर सेट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम लोग टीम चूज कर लेते हैं, हमारा नवजोत 1 का करना है, ठीक है, और यहां से हमने -1 करना है। तो क्लिक करेंगे सेट वेरिएबल, यहां से हमारा क्वांटिटी, क्वांटिटी को हमने यहां से सब्ट्रैक्शन करना है -1 का। तो पहले सिर्फ इतना चेक करो कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। इसके क्लिक पर यहां पर भी डेटा अपडेट हो जाए, प्लस करेंगे सेट वेरिएबल कार्ट आइटम, कार्ट आइटम की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है मुस्कान, इतना पार्ट करना है। यस तो कंडीशन हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें चीजों को उस तरह से हैंडल करना हो कि इससे जैसे कि जीरो से कम ना हो जाए वैल्यू, या फिर आपको एक कंडीशन ये रखना है कि भाई जैसे जैसे प्लस हो तो ये डेटा हमारा विजिबल हो जाए, तो उस तरह की चीजों के लिए हम लोग कंडीशन डालते हैं। ऐसे आप यहाँ से फिर से प्लस करेंगे, यहाँ से सेट वेरिएबल कार्ट आइटम, कार्ट आइटम की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे -1। तो
यहाँ से क्लिक करिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एक साथ हो रहा है। अब ये माइनस की तरफ जो जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको कंडीशन लगानी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे प्लस कंडीशन, कंडीशन बार में लिखना है राइट कंडीशन, क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो या लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो एक्सप्रेशन हमने क्या लिखना है यहाँ पर, क्वांटिटी जीरो हो जाए, इतना करके ये चेक करो। प्लस माइनस आप देख सकते हो हम लोग जीरो से नीचे नहीं जा रहे, तो ये वाला पार्ट लेकिन हम लोग क्लिक करें तो माइनस हो रहा है, तो दूसरा लेवल में सेम ही आपने काम करना है। अगेन यहां से करेंगे प्लस कंडीशन या फिर हम लोग इसी में ही ऐड करके देखते हैं, सेट वेरिएबल कार टाइटल लेस देन और इक्वल टू, देन सेट वेरिएबल कार्ट आइटम सेट टू जीरो। ये अपना एडिशन हो गया सक्सेसफुली, ये अपना सब्ट्रैक्शन हो गया, तो जीरो से नीचे नहीं जाएगी पहले। तो फिग्मा के अपडेट ने ना आपका यही काम आसान किया है कि XD में ये सारा काम आपको मैनुअली वेरिएंट बना के करना पड़ेगा, और फिग्मा में आपको इसमें वेरिएंट बनाने से बच गए हम लोग। मतलब टोटल कंडीशनल बेस में सिस्टम सेट कर दिया कि यूज़र जितने मर्जी क्वांटिटी डालना चाहे डाल सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर आइटम पर अगर आप लिमिट लगाना चाह रहे हो कि भाई मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसिव आइटम है जिसका मिसयूज़ ना हो, तो उसके ऊपर आप उस तरह की लिमिट लगा सकते हो। XD में ये नहीं होगा, XD में आपको, XD में ये वाला पार्ट आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा पूरा, यानी कि यूज़र कितने ऐड कर सकते हैं तो वेरिएंट, ठीक है, फिर उनको आपस में लूप करना पड़ेगा, जैसे हमने स्लाइडर को लूप किया था ना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके, वैसे ही करना पड़ेगा। जिसमें मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना, जैसे हमारा एक वेजी वाला जो ऐप था, तो दैट टाइम एक साल पहले ये वाला फीचर जब नहीं था ना, तो ये ऐसे बनता था। तो एक जी में ऐसे बनेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा, सेम प्रोसेस। पर सर उसमें तो फिर ये लिमिट नहीं रहता है, मैं तो मैं कह रहा हूँ, तो ये जो आपका क्या कहते हैं फिग्मा है, ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि बिल्कुल रियलिस्टिक आप बना सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये देखो ना कि हमारा काम तो आसान हो रहा है ना, कि वो जो वेरिएंट बनाए देन हम उसको प्रोटोटाइप करें। अब आपके पास जैसे आपने कोडिंग सीखा हुआ है तो उसका कुछ तो बेनिफिट आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि कंडीशंस को किस तरह से, हाँ तो कंडीशन बिल्कुल वही चले जो हम लोग अपनी चलाते हैं नॉर्मली। तो मुस्कान दुआ से ट्राई करके देखना इसको। अब हम लोग बात करते हैं इसको हाइड रखने का, इसको नहीं दे दो कार्ट शो हाइड, तो जैसे कि ये वाला पार्ट हमें हाइड रखना है, तो लेयर के ऊपर मैंने आपको बताया था यहां से राइट क्लिक करके ये वाला फीचर आपका इनेबल होता है, ठीक है।
तो ये हमने इसकी विजिबिलिटी को कर दिया ऑफ। अब आप जब इसको यहाँ से क्लिक करें तो ये इनेबल हो जाना चाहिए। तो प्रोटोटाइप में जाना है आपने, इसी प्रोटोटाइप को आपने मॉडिफाई करना है और यहाँ जाके आप लिखेंगे ये अपना एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक और डिफाइन करो, इस पे क्लिक करके क्या वैल्यू बनी ट्रू। तो एक बार जरा प्ले करके देखो क्या ये हमारा ट्रू होता है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही जब लोग माइनस कर दे तो ये वापस से गायब भी होना चाहिए। यहां से हम लोग करेंगे एड एक्शन। ठीक है, यहां पर आपने कंडीशन लगाना है कि अगर हमारा जो क्वांटिटी है इज लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वो गायब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि माइनस का बटन दबाते पार लो मेरे पास आइटम है 5 और मैंने जैसे ही माइनस का बटन दबाया वो मेरा कार्ट आइटम बंद हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमें कंडीशन में इसको सेट करना है। हमने क्या कर दिया इसको फॉल्स, वापस इसको यहां पर चेक करेंगे। ठीक है, माइनस करके देखेंगे। तो मैंने क्या करा इसके लिए एक नया कंडीशन नहीं लिखा, एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर ही हमने अपना दूसरा वेरिएबल सेट कर दिया क्या होगा। आप चाहो तो एक नई कंडीशन लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि भाई लेस देन जीरो पर हमें ट्रिगर कराना है। तो लेस देन जीरो पर हमारा क्या हो रहा है, हमने एक और अपना वेरिएबल सेट करा दिया। इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है कि प्लस पर गए और आपने लिख दिया सेट वेरिएबल। तो सेट वेरिएबल करने से इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपके आइटम मान लो एक हुआ आपने माइनस किया तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपने कर दिया दो बार दो आइटम ऐड करें, लेकिन जैसे ही माइनस करोगे तो वन पर भी वो हाइड हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, जिसको हमने डिलीट किया यहाँ से हमने जाके लिखा सेट वेरिएबल शो हाइड क्या हो जाए फॉल्स। अब जब आप इसको यहाँ पर चेक करोगे तो प्रॉब्लम हमें फेस करने के लिए मिलेगा इसका कि भाई ये एक्टिव हुआ लेकिन जैसे हमने माइनस करा तो बंद हो गया ना, तो हमें बंद का करना था जब वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने उसको सेट वेरिएबल ना करके क्या करना है कंडीशन के अंदर डालना है। तो यहाँ जाएंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, चाहो तो नीचे वाले में डाल दो इसमें डाल दो, और यहाँ से इसी में देखो इफ कंडीशन में क्या क्या हमें एक्सप्रेशन सेट करने हैं। तो लिखा रहा है एड नेस्टेड एक्शन, यहाँ से प्लस सेट वेरिएबल शो हाइड वैल्यू इज फॉल्स। अब क्या होगा कि आइटम जैसे हमारे पास ज़्यादा है तो ये बंद नहीं होगा उस केस में। रिस्टार्ट प्लस, तो देखो जब तक आपका जीरो नहीं होगा तब तक क्वांटिटी लेस होगा, जैसे जीरो होगा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्या बना सकते हैं, जैसे भी जैसी क्वांटिटी वन हुई तो जैसे मैंने इसको शो हाइड किया आप तुरंत नीचे बटन ऑन कर दो बाय नाउ। ठीक है, और नहीं तो बाय नाउ आपका गायब हो जाए। ठीक है, या फिर जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि कलर चेंज कर लिया था कि बाय नाउ का कलर मेरा डिसेबल रहेगा, जैसे वो आना एक आइटम ऐड हो जाए तो वो इनेबल हो जाए अपना उस तरह। क्लियर है मुस्कान? अब यस सर। चलो अब जरा दूसरे पार्ट पर आते हैं। ये अलग करके देखा हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, टाइम नहीं मिला। तो हमने वो ऑप्शन तो फाइंड आउट उसमें कर लिया था कि बेसिकली कि हमारा कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंपोनेंट। तो सर
मैं बना के दिखा रहा हूँ, मैं बना के दिखा रहा हूँ, टेंशन ना करो। देखते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये फाइल अगर आपने देखा ना 1 साल पहले बनाया था, तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या करके बना दिया था इसको। XD तो बहुत ही आसान है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि XD में तो कुछ है ही नहीं, कोई भी ग्राफिक डिजाइनर XD को बहुत ईजिली ऑपरेट कर सकता है। फिग्मा का ऑपरेट करना आसान नहीं है, फिग्मा आपका टाइम मांगता है। आप देख रहे हो कंडीशन के अंदर कितना, इतना माइक्रो लेवल पर उसमें नहीं होता, XD में तो ऊपर ऊपर चलता है बिल्कुल। इसमें आप बहुत रियलिस्टिक लेवल पर काम कर सकते हो। XD का क्राउजर मतलब एक बार चलता दोबारा नहीं चलता, मुझे बताना XD के अंदर, मैं करके दिखाऊंगा। उसको भी 2-3 बार करे तब वो 4th या 5th टाइम में इन्होंने बड़ी डाल दी, बड़ी मिस्टेक मोबाइल की। इनका भी काम राम भरोसे चल रहा है इस वक्त। अरे वेबसाइट नहीं है, ये मोबाइल ऐप देख रहे हैं। जो यहाँ देख रहे हो ना, वही आपके मोबाइल पे जाएंगे। लास्ट क्लास मेरे इसी में निकल गई सारी, दूसरे बच्चों का कुछ नहीं करा पाया। नहीं मतलब इस टॉपिक के बारे में। हाँ हाँ सबसे बढ़िया जो फीचर है इसका वो यही है फिग्मा का ना, कि इमेज को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। वैसे तो और सॉफ्टवेयर भी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ हो जाती है। जैसे XD में देखा था आपने, ब्लैक ब्लैक हो जाता है PNG के केस में, लेकिन ये PNG को भी वेरी वेल हैंडल करता है। हाँ एग्जैक्टली, उनका नेम डिफाइन करो, वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो 1, 2, 3, 4 कर लेते अपना भी। एग्जाम कर लो, उसके बाद रेडी हो और इंटर। आप
आप तो अप्लाई करते रहो, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ट्राई करके आओ, मौका नहीं छोड़ना। सब लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, एक्सपीरियंस हमारे पास काम के अंदर इतना आपका एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए कि आप सीधे बोलो सर एक बार आप इंटरव्यू तो ले लो, देखो उसके बाद तो तुम्हारी अप्रोच में दम नहीं होगा। सर अब जैसे हम यूआई यूएक्स के लिए कहीं जाएं तो वो कहें कि खुद से कोई मतलब लैंडिंग पेज वगैरह बना के दिखाओ, तो एट द टाइम हम रिसर्च भी करें, इमेजेस भी लाएं, तो मतलब इतना सारा अभी तो हमें नहीं पता ना। इमेज वगैरह कहाँ से लेकर आनी है? नहीं मतलब कि सोचें भी कि कैसा बनाएं, फिर उसके लिए इमेजेस भी कहाँ से ढूंढे, वैसे इमेजेस मिलेंगी या नहीं, तब सब कुछ अभी तो नहीं आता ना। पता क्या, इसीलिए जो है आपको हर एक कैटेगरी के ऊपर नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए आपने प्रॉपर्टी के ऊपर बोला, तो आपको पता होना चाहिए रियल इस्टेट्स के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। आपको बोला जाता है कि टेक के ऊपर हमें कुछ बनाना, टेक कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमें अपने फील्ड के साथ साथ मार्केट की नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि जैसे आपको टास्क मिले तो इमिजिएटली आप कुछ एक्शन ले पाओ। पता चला आप लगे हो सर्च करने में, कुछ बेसिक आइडियाज़ होंगे तभी तुम लोग काम कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको पैरेलली अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप क्या कर सकते हो, तो गूगल का एक होता है अलर्ट्स, ठीक है, आपने लिखना है google.com/alerts, लॉगिन कर लेना पहले, उसके बाद जाना है। अब यहाँ पर आपको जिस भी फील्ड के बारे में नॉलेज चाहिए वो जाके यहाँ पर आप डिफाइन कर दो, लाइक हमने लिखा यूआई यूएक्स, तो क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें सारे वो लेटेस्ट न्यूज़ इसके बारे में पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि भी दिन में एक बार लेना है, या जब भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे पता चले, या फिर वीक में एक बार मुझे न्यूज़ मिलती रहे उस चीज़ की। तो इस तरह से आप अपने आप को किसी भी फील्ड में अप टू डेट रख सकते हो। जैसे आपको रियल इस्टेट में कुछ जानना है, ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि आपका डोमेन क्या है, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो उस डोमेन का आप यहाँ से अलर्ट बना सकते हो। अब इसमें जब आप यहाँ पर कोई अलर्ट बनाते हो, जैसे कि हमने लिखा यूआई यूएक्स, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई सोर्स क्या रहेगा, पर्टिकुलर कोई न्यूज़ होनी चाहिए या फिर किसी ने ब्लॉग लिख दिया, कोई वेब के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आया, तो आप यहाँ से प्रॉपर न्यूज़ चूज़ कर सकते हो भाई यूएक्स रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक जेन्युइन न्यूज़ मिल जाएगी उससे रिलेटेड। तो इस तरह से आप ना यहाँ पर डिफाइन करके आ सकते हो चीज़ों को, तो इससे पता चलता है हमारी नॉलेज अपने फील्ड में कैसे अप टू डेट रहे। एक तो हो गया कि भाई आप जाओगे पर्टिकुलर जॉब को रिक्वायरमेंट तब आप सर्च करो, एक ये है कि आपको डेली कुछ ना कुछ लेटेस्ट पता चल रहा है अपने फील्ड के बारे में। और अभी तो आपका जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा आपको एआई के ऊपर बेस्ड हम लोग बताएंगे किस तरह से आपने रिसर्च वगैरह का काम कर रहे हैं, तो जो काम करने में हफ्तों जाते हैं वो काम आप 10-15 मिनट में खत्म कर सकते हो। आपको बेसिकली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो, उस पर सर्च कर सकते हो, क्या दिक्कत है अगर वो वहाँ पर आपको अलाउ नहीं कर रहा। देखो बनाना तो आपको खुद से ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बनाने के लिए जैसे भी इन्होंने बोला कि मेरे को मानो रियल एस्टेट पे किसी कंपनी ने टास्क दे दिया बनाने के लिए, तो पहले कॉम्पिटिटर तो रिसर्च करोगे ना, एनालिसिस तो करोगे कि उनके पास क्या है और आपने क्या लगाना है उसके अंदर, या उससे बेटर कैसे बनाए। तो पहले तो मुझे टॉप 10 अपने कॉम्पिटिटर राइवल से ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन है मार्केट के अंदर, तो एकदम से तो तुम्हें याद ही नहीं आएंगे ना, समझ गए ना, तो 10 नाम कैसे निकालें ढूंढ के,
तो उसके लिए अपना जीपीटी वगैरह फ़ोन में इंस्टॉल रखो और सर्च करना स्टार्ट करो, तो एक एक टर्म में आपको प्रॉम्प्ट बता दूंगा क्या लिखना है, किससे आपको क्या रिजल्ट निकल के आएगा। चलो जी मत बाद में, पहले इसको बनाते हैं। तो हमारा एक कंपोनेंट है और कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या है, अलग अलग फ्रेम्स, ठीक है। और ध्यान रखना एक ही फ्रेम के अंदर आपके सारे इमेजेस भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें जाते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ मास्क वगैरह हो रखा होगा, उसका मैं हटाना पड़ रहा है। यूज अ मास्क, इसके अंदर हमने बनाए थे अपने डॉट्स, ये देख रहे हैं लिप्स, ये भी हमारे मूव करते हैं साथ साथ जब हमारा स्लाइडर चेंज होता है। टाइम आपने इसकी कॉपी बना ली है, सेम गैप पर बनता चला जाएगा। तो ये ना जब हम लोग मल्टीपल आइटम पकड़ेंगे ना तब उसके अंदर हमें ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा। नॉर्मली इस तरह से आते हैं, एक से ज्यादा हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन लेंगे। तो ये बन गए अपने वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक, जैसे कि हमारा इस वाले पार्ट के अंदर आप देख रहे हो। तो इसमें हमें एक फ्रेम और बनाना है और उसके अंदर हमारी इमेज जाएंगी सारी।
एट मैचिंग लेयर, ये हमारा एडिट मल्टी एडिट वेरिएंट्स। Instance wrap and text. सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग टॉप से अलाइन करो और यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है। और इसके अंदर जाके आपने ऐड करना है, ठीक है। आगे हमारे सारे इमेजेस के अंदर एक फ्रेम में हमारे सारे इमेज इस तरह से अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ना ये स्टेप आपने सभी के अंदर रिपीट करना है कि मतलब एक ही इमेज के अंदर हमारे सारे इमेज होने चाहिए। इधर ये आ रहे अपने सारे इमेज। तो करना क्या है, अब हम लोग इसको एक एक करके स्लाइड करते जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट, जिधर से भी आपने इसको चलाना है, ठीक है, और आपस में इनको कनेक्ट करते जाना है। चलो इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको डाल। तो पहले वाले पार्ट के अंदर जाइए, यहाँ से सभी को कॉपी, और इस वाले पार्ट में आ रहा है लेफ्ट साइड वाला इमेज। तो इमेज नंबर वन कौन सा होगा,
फ्रेम में रहेगी, और यहाँ पर पेस्ट करना है। नंबर 7 को आपने डिलीट कर देना है, नंबर 2 से यहाँ तक सेलेक्ट, और इसको लाके ध्यान है कि ना मास्क रिवील नहीं होना चाहिए आपका, इसी के अंदर अंदर ऐसे चलना चाहिए। सेकंड इमेज आराम से करो, यहाँ से दो बार में कर लो, फिर थर्ड वाले में आइए। ये अपना थर्ड ओपन करिए, यहाँ पर सभी इमेजेस को पेस्ट करना है, नंबर 10 को डिलीट, सभी इमेज को सेलेक्ट, 1, 2, ये अपना 3, इस वाले में आइए, इसको कलेप्स सेलेक्ट पेस्ट, नंबर 5 रिमूव, 1, 2, 3, 4, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, वोल्टास वाले पर आओ, डिलीट, सभी में इसको सेलेक्ट, सेम हो गई, ये लगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आइए, सबको सेलेक्ट ऑल, जो पहले की डिफॉल्ट पड़ी होती है ना उसको हटा दो, फिर तो खाली स्वैप इमेज कर देना ना उसके अंदर, आपको तो पता ही, इमेज को इमेज के ऊपर पेस्ट करोगे इमेज अपना बदल जाएगी। यहाँ पर सिनेरियो दूसरा था ना, आपको यही काम हम लोग ना उसमें करते हैं एक्सटी के अंदर, ठीक है, मूविंग वाला, जिससे वो हमारा चलते हुए दिखाई देता है। नहीं चलेगा ऐसा होता मैं तुम्हें सबसे पहले बोलता कि चला कन्वर्टर जिसके आते हैं लेकिन पेड़ आते हैं सारे, मतलब कोई ऐसा फ्री वाला अभी तक जुगाड़ नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो ट्राई कर सकते, बट मैंने तो उसका भी आपको आसान दिखा दिया ना तरीका, एक साथ रखा मैं और एक साथ कंट्रोल डी चला दो, फिर एक साथ सबको टॉप में अलाइन कर दो, काम खत्म।
सॉफ्टवेयर तरीका दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई इमेज हमारी ओवरलैप हो रखी है शायद। हाँ यहाँ देख रहे हो कोई इमेज, चलो कोई नहीं, यहाँ देखो देख रहे हो ना ये जब लोग इसको पकड़ रहे हैं तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ और इधर हमारा ये यहाँ पर आके खत्म हो गया, तो यानी कोई इमेज हमारी एक ओवरलैप रह गई है। तो ये ना शिफ्ट के शिफ्ट वाले से दिखते हैं सारे आपको, शिफ्ट जैसे प्रेस करोगे सब रिवील हो जाएंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो मैं लास्ट वाला फ्रेम हटा देता हूँ फिर इसका, ठीक है चलो फिलहाल इसको जरा कनेक्ट करेंगे, देखो प्रोटोटाइप पर आइए, यहाँ से जूम करेंगे इसको, इन सभी को कलेप्स रखिए और यहाँ से लोग इस पर जाएंगे इसको लेके आफ्टर डिले और यहाँ से चेंज टू प्रॉपर्टी 1 से 7 में चेंज होगा, ठीक है, और स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बस सीएसएस पढ़ा था आप लोगों ने, सीएसएस मैंने आपको पढ़ाया था आपको ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट दो चीज़ें कराई थी, उसमें ईज इन ईज आउट सी सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो वही सेम चीज़ें, मतलब कि नहीं डिफरेंस होता है, जैसे मान लो एक होता है नॉर्मल लीनियर, मतलब जैसे चला वैसे ही एंड होगा, ईज इन फास्ट टू स्लो, ईज आउट स्लो टू फास्ट, इस तरह से ना अलग अलग इसके इफेक्ट हैं, ईज इन आउट एक साथ जब आता है तो यानी कि फास्ट भी होगा स्लो भी, एक ही एनिमेशन में दो चीज़ आपको दिखाई देगी। इसको इसके साथ कनेक्ट करो, ये हो गया हमारा स्मार्ट एनिमेट, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, और यहां से वापस से इसको लूप कर दो,
गैपिंग जो है ना सभी की सही जगह पर होनी चाहिए, तभी सही से काम करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक मास्क बना लेते हैं उसके ऊपर, ये थी इसके पीछे की कलाकारी। ठीक है, तो आपने एक ही इमेज के अंदर सारे इमेजेस कॉल करने हैं और फिर इसको स्लाइड कर दे। जैसे मर्जी कर लो, आउटपुट ये होना चाहिए। बस तुम्हारा आइडिया अगर कुछ डिफरेंट है कर लो, नो प्रॉब्लम। नहीं मुझे नहीं पता सीरियसली, क्योंकि मेरा ही बड़ी मुश्किल से बना है। तो इसका बेटर वर्जन ये हो सकता है। मैं इमेज को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं बाहर। नहीं अभी तो ये कुछ भी प्रोटोटाइपिंग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन बनते हैं इसके अंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें बन जाती हैं इसके अंदर, मतलब XD में नहीं होंगी वो चीज़ें, यहाँ सब कुछ हो सकता है। लेकिन बड़ी ट्रिक्स है, सर जैसे वो होता है जैसे दो इमेजेस हैं और वो प्ले होती रहती हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं इसमें? जैसे आप नाइकी में मतलब है एक कि जैसे दो इमेजेस ऐड की हैं उसमें और वो ऑटो प्ले होती रहती हैं, मतलब चलती रहती हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? इसके लास्ट में है सर। लास्ट में कहाँ जाना है, मतलब ये अपना भी चेंज होगा? नहीं नीचे स्क्रॉल करके सर। अच्छा पेज के एंड में, ठीक है। यहाँ आज आज तो नहीं है, मतलब कल तक तो थी वो, थोड़ा और ऊपर, मतलब जैसे उसमें ना दो इमेजेस ऐड की हुई थी और वो ऑटो प्ले जैसे होती रहती है ना, मतलब अपना भी चेंज होती रहती है, एक आती है फिर दूसरी आती है फिर पहले वाली आ जाती है, ऐसा कुछ? नहीं चेंज नहीं, जैसे वीडियो चलती रहती है ना ऐसे लगता है कि वीडियो ही प्ले हो रही है, वो दो इमेजेस को ऐसे वो किया होता है उनने, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मतलब क्या डाले उसमें। जैसे एक बारी प्रियांशी ने आपसे पूछा था नेटफ्लिक्स में जो था, प्रियांशी ने पता नहीं किसने पूछा था, प्रियांशी तो कभी मैंने कब से नहीं देखा नेटफ्लिक्स। मैं देखता हूं नहीं, कोई नेटफ्लिक्स बना रहा था तो पूछ रहा था, मतलब किसी ने पूछा था यही वाला, यही इसमें तो थोड़ा मतलब एनिमेटो के हो रहा है उसमें, तो मतलब बिना एनिमेशन के चलता है। हाँ ये तो वीडियो है, नहीं ये तो बन जाएगा, तो हमारा अभी बना ही है, अगर ऑटोमेटिक खाली इस तरह से चेंज करा रहे हो। ग्राफिक्स साथ कोई वीडियो प्ले हो रहा है ये कह रहे चाह रहे हो? वीडियो नहीं है, है तो इमेज ही, लेकिन दोनों इमेज चेंज होते हुए शो होते हैं।
ये जो भी आया था, ये भी थी, पीछे वाली भी थी और एक और है। ये ना हाँ सर, इसमें तो जैसे थोड़ा एनिमेटो के वो हो रही है, उसमें तो स्मूथ चलती है वो, बिल्कुल वीडियो की तरह, मतलब लगता ही नहीं उसमें मिनी सेट की हुई है। देखो हमें, हम वैसे तो गिफ्ट कॉल कर सकते हैं, लॉटी एनिमेशन के अंदर कॉल हो जाता है, बट दूसरा तरीका ये है कि आप इसका बेस रख लो और ये सब जो ग्राफिक्स हैं, आप 3 ग्राफिक्स ला के अपना उसी फ्रेम के ऊपर चेंज करा लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा तो डिले के साथ, और उसमें स्मार्ट एनिमेट मत डालना और कोई इफेक्ट मत डालना, इंस्टेंट डाल देना, तो टक 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 1 1 मिनट में उसे मतलब 1 सेकंड में चेंज करा सकते हो। करके देखिए कुछ ऐसा। सर मतलब ऐसा बैनर टाइप नहीं था, वो इमेज थी उसमें, एथलीट टाइप की जो अगली थी। बार दिखे तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, मतलब वो दिखाना मेरे को, फिर मैं आपको और बेटर वे में बता दूंगा उसको। सर उसमें कल तक था वो, आज उन्होंने चेंज कर दोबारा दिया। आएगा कहाँ जाएगा वो, उसको ठीक है सर। हमने कुछ किया है, रुको जरा, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था टूर एंड ट्रेवल के ऊपर, मुझे दिन में याद दिलाना एक बार ना, तो मैं आपको बता दूंगा। ये किसका है? इसमें कुछ बनाया था इस तरह का, ये रेडवुड्स के ऊपर प्रोजेक्ट था, शायद हमने इसमें जूम इन डाला था, एक बार देखते हैं जरा ट्राई करके क्या इसमें है या नहीं है। प्रोटोटाइप, इसमें प्रोटोटाइप है कहीं, डाला था ये रहा, यहाँ पर है, ये देख रहे हो, हमने एक नॉर्मल रखा है, एक जूम के साथ रखा है। एक सही कर लिया था सारा। तुम्हें पहली दूसरी इमेज को भी ना वो करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, इसमें होवर नहीं होता, इसमें आपको जैसे एक्सडी तो देता है होवर का सीधे सीधे ऑप्शन, ठीक है, फिग्मा नहीं देता होवर का, फिग्मा में होवर आपको बनाना पड़ता है, 2 वेरिएंट बना के फिर उसको होवर कराना पड़ता है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इधर देखो ध्यान से, ये सब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, डिज़ाइन मोड में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है, मास ग्रुप और प्रॉपर्टी वन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हमने इसके कोई मल्टीपल कंपोनेंट बना के रखे हुए कहीं पर, जरा ध्यान से देखो चारों तरफ कहीं पर हमने कुछ ऐसा कर तो नहीं रखा, नहीं कर रखा ना, तो यहाँ पर क्या करा, हमने एक सेट बनाया, ठीक है, और प्रोटोटाइप में जब लोग यहाँ पर आएंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो
माउस, ये देखो माउस मूव इनसाइड, वेरिएंट टू पर चले जाए हम लोग, और इस वाले में क्या हो जाए, डिफॉल्ट पर आ जाए जब लोग माउस मूव आउटसाइड करें, यानी कि जैसे माउस बाहर पहला वाला हो जाए और जैसे माउस इन होगा तो हमारा चेंज हो जाए। अब हमने क्या किया, इसके लिए कॉपी मास ग्रुप थी यहाँ पर लगाई हमने, तो दिखाई दे रहा मास ग्रुप रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम, ड्रैग करके जैसे एसेट से निकाल के डालते हैं, फिर हमने उसको रिपीट कर लिया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके अंदर जाके यहाँ पर डिज़ाइन में, अगर हम लोग यहाँ पर रहे हैं ठीक है, तो इसके अंदर हमने जाके किया था इमेज को अपना चेंज, ठीक है। तो वो इमेज याद आ गया, ये हमने रिप्लेस करी हुई है इसके अंदर इमेज, हाँ होवर की चेंज नहीं हो रही थी, बनाया ना मैंने, मुझे फिर से उसको देखना पड़ेगा, हमने कुछ किया था इसके अंदर भी, बट ये हो जाए ये तकरीबन 7-8 महीने पहले का प्रोजेक्ट है, तो लेकिन हमने कर रखा है, मुझे हर एक चीज़ का पता है, हर एक चीज़ जो पूछ रहा है सब ट्राई की हुई है, और डेली यूज में इतना होता ही है। तो देखो इससे ना क्या होगा, कंपोनेंट रिपीट करने सब बन जाओगे और काम आपका आसान हो जाएगा। को जरा मैं यहीं पे ट्राई करके देख लेता हूँ मैंने क्या किया होगा, पता चल जाएगा। ये अपना मास ग्रुप है, हमने यहाँ पर एक कॉपी निकाला और इसके अंदर जाके हमें यहाँ पर करना है, एक ऑप्शन है गो टू मेन कंपोनेंट, सर इसमें आ रहा है डिफॉल्ट और उसका ऑप्शन मेन में नहीं आ रहा था, ये तो होवर वाला है ना, हाँ। तो ये तो जैसे मुझे पहली इमेज को चेंज करना है, मैं इसके अंदर जाऊंगा, इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और जो भी आपको नई इमेज इसमें डालनी है, जैसे मैं एक नई इमेज ले लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट डाल के दिखा दूँ समझ में आ जाएगा। तो जैसे सॉरी मैं यहाँ से ले लेता हूँ प्रिंटर की फ़ोटो ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, समझ नहीं है बस। तो जैसे मैंने ये फोटोग्राफ की लिया से कॉपी, अच्छा इसके भी नखरे भाई, क्या कॉपी इमेज, और मैंने इस इमेज पर देखो जब इमेज का सिलेक्शन आता है ना, यहाँ इमेज लिखा जाए तब पेस्ट करना, इमेज चेंज हो गया। अब इसके बाद में आपने यहाँ से वेरिएंट टू चूज करना है, तो वेरिएंट टू पर हो गया अपने आप, तो ऐसे मैंने किया था, तो अपना आप ही इमेज की ना प्रॉपर्टी जो कि वो अप स्केल में आपको दिखने लग जाएगी, देखो बन गया। तो एक बना लेना अच्छे से, फिर सबकी कॉपी लगाना काम हो जाएगा, नीचे आएंगे तो चलेगा अपने अलग ही, कहाँ गया ये देखो काम कर रहा है बढ़िया। तो ऐसे तो तुम बना बना के थक जाओगे, कितने बनाओगे, तो फ्रेम इतना हैवी हो जाएगा कि मतलब तुम खुद ही हैंडल नहीं कर पाओगे उसको, फिर तो ये वाली ट्रिक लगाना, ये कंपोनेंट है मैं इसको उठा के डाल देता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किस पे डाल दूँ यहाँ डाल देता हूँ, ये ग्रुप सबको मिल जाएगा, बाकी लोग कहेंगे भी फीस तुमने भी दी थी। चल ये रहा ठीक है, तो बाहर अपने पास और एसेट से निकाल के यहाँ से हमें डिज़ाइन मोड में आना पड़ेगा। अच्छा ये एसेट्स कॉपी हो गया ना, ये लिखिए हमें इसको, हमें पूरा लिखाना है मास ग्रुप, ये रहा अपना कंपोनेंट, राइट क्लिक कॉपी, सब निकाल पाओगे ठीक है। तो वो तो जो आप मेरी ट्रिम चला रहे हो उसके अंदर लाइब्रेरी आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, उसमें क्या नहीं आ रहे, नहीं जैसे मैंने अभी यहाँ पर टाइटल फाइल नहीं बनाई थी अपनी, ऐसे नहीं ढूंढना, आप जैसे यहाँ पर जाओगे लोकल वेरिएबल्स में जैसे आप गए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो जैसे हमारा जो भी हमने बना रखा है ना यहाँ पर आपको पता चलेगा। दूसरा जब आप कोई वेरिएबल वगैरह बनाते हो लगाते हो तो जब आप यहाँ चूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा उसके अंदर, तो यहाँ पर जाके ना चेंज कर लेना। तो जैसे मेरा फ्लिपकार्ट वाला चल रहा है ना, फ्लिपकार्ट के प्रोजेक्ट में रहोगे तो यहाँ पर आपको सारे उसके वो मिल जाएंगे अपने आप से।
फाइल से आकर कॉपी कर सकते हो। एग्जीक्यूट के अंदर तो मैंने लाइब्रेरी तुम्हें बता दिया था क्या करना है, इसके अंदर भी तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे ये भी प्रॉब्लम्स हो नहीं। बूट स्ट्रैप लाइब्रेरी वाला चाहिए, अपनी खुद के कंपोनेंट की लाइब्रेरी बना के अगर मैं रखनी हो तो कैसे रखोगे, तो समझ गए ना, ये कर लेना।